हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो पे हम हेयर ड्रॉ करने वाले। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रूस्टो की पेंसिल्स यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टू बी पेंसिल यूज़ करूँगा और रेफरेंस फोटो को हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे कि कहाँ पर डायरेक्शन कैसा है, कहाँ पर कितना हाईलाइट्स है, कहाँ पर कितना डार्क है, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग हमें एक फर्स्ट लेयर पहले, मतलब फर्स्ट टाइम स्ट्रोक से अप्लाई करना पड़ेगा और बिल्कुल हल्के प्रेशर से आपको स्ट्रोक से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो बार पर ब्लेंडिंग करना उतना आसान नहीं होगा और जो स्मूथनेस चाहिए हेयर में वो नहीं हो पाएगा, हाईलाइट्स नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत मतलब कि पेंसिल में आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं टू बी पेंसिल से पहले फर्स्ट स्ट्रोक से अप्लाई करूँगा। सो गाइस, फर्स्ट स्ट्रोक से अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करूँगा और ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ करूँगा। और आप जो मेकअप ब्रश यूज़ करोगे वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट लेयर के लिए आपको मतलब कि फर्स्ट लेयर ब्लेंड करने के लिए सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, बाकी जहाँ पर बिल्कुल डार्क है वहाँ पर आप हार्ड ब्रश यूज़ कर सकते हो। ब्लेंडिंग करने के बाद आप बिल्कुल डार्क हेयर्स ऑफ करने के लिए मैं 10B पेंसिल यूज़ करूँगा और उसको आप थोड़ा सा शार्प कर लेना, ताकि आप बिल्कुल जो पतले पतले हेयर्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से दे पाओ। और हेयर ड्रॉ करते टाइम आपको बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो बाद में वहाँ पर हाईलाइट देना बहुत मुश्किल होगा। तो बस अब मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी डार्क हेयर्स है उनको ऑफ करूँगा यहाँ पर। सो गाइस, अब मैं रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हुए जो भी हाईलाइट्स है हेयर का उसको यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर टोमोमोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से किस तरीके से मैं हाईलाइट करता हूँ। जो भी हेयर ज़्यादा शाइन कर रहा है उस शाइन को प्रोवाइड करने के लिए मैं जेल पेन यूज़ करूँगा। और जेल पेन यूज़ करने के बाद ऊपर से हमें ब्रश को हल्का सा अप्लाई करना पड़ेगा जो भी एजेस है वहाँ पर, नहीं तो जो हेयर का हाई हाईलाइट्स है वो बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है।
सो गाइस अब सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे हेयर को मैं ड्रॉ कर लूँगा। बस मैं आगे इंडेंटेशन मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, तो देखो देख ध्यान से किस तरीके से मैं आगे ड्रॉ करता हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।